मेरा पेपर है प्रभजोत कौर का स्वै जीवनी मूलक साहित किते कर्म दी जायजता दा वृतांत। प्रभजोत कौर पंजाबी दी कवि कहानीकार वार्तकार स्वै जीवनीकार पाठ पुस्तक लेखक बाल साहित लेखक संपादक ते अनुवादक सी। माता हरजिंदर कौर ते पिता निधान सिंह सच्चर पिंड लंगड़वाल जिला गुजरात विच पैदा हुए ते कर्नल नरेंद्रपाल सिंह जो उस समय मेजर सन उन्हां दे नाल व्याही गई ते निरूपमा कौर ते अनुपमा कौर उन्हां दीआं दो बेटियां। वड्डी निरूपमा दा व्याह भारत दे लोक सभा दे पहले स्पीकर हुकम सिंह दे दोतरे हरिंदर सिंह नाल होया। ब्रिगेडियर हरी सिंह दा जो बेटा सी। अनुपमा मेरे सामने बैठे हुए ने, तुसी सारे जानते हो कि उन्हां दा जिहड़ा व्याह है वह फौज के अफसर जे जे सिंह नाल होया जो बाद दे विच भारतीय फौज के मुखी बने। प्रभजोत कौर ने छोटी उम्र च ही कविता लिखनी शुरू कर दिती ते पहली काव्य पुस्तक लट लट जोत बड़े 1943 दे विच छप जाती है। उस तो पिछों लगातार वह काव्य रचना करते हैं ते उन्हां दा व्याह 1948 दे विच हो जाता है। उस तो पहला उन्हां दीआं पंज पुस्तकां छपदियां ने व्याह तो पहला ते व्याह तो बाद भी वह निरंतर लिखते ने। उन्हां दी रचना पब्बी नूं 1964 दे विच भारतीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो जाता ते 1967 दे विच पद्म श्री की उपाधि भी मिल जाती है। पंजाब सरकार वल्लों राज कवि की उपाधि तो अलावा पंजाब विधानसभा के मैंबर भी रहे। भाषा विभाग वल्लों श्रोमणी पंजाबी साहित्यकार का इनाम भी मिलिया। इस तो अलावा होर भी बहुत सारे इनाम सन्मान प्राप्त होए। जे आप देखिए तो एक किस्म की ढेरी लग जाती है उन्हां दीआं इह गल्लां बातां दी। वो पंजाबी दे विच विकेंद्रत ते अंग्रेजी विच बायवर्ड रसाले दे संपादक भी रहे। उन्होंने माणा सन्माना वाली भरपूर शाना मत्ती जिंदगी जीवी ते अपनी जिंदगी च उन्होंने लेखक वजों ते डिप्लोमैटिक फौजी अफसर की पत्नी वजों देश ते विदेश खूब घूमे। उन्होंने स्वै जीवनी मूलक रचनावां मेरी साहित्यक स्वै जीवनी 1994, जीना भी एक अदा है 1996, तो यदा दूसरा भाग 2000 प्रकाशित हो जाता है। वैसे जे ज़्यादा मैं उन्होंने जड़ा बायोडाटा उमें पेश नहीं करती क्योंकि जे तुसी पंजाबी लेखक कोश देखो तो उस दे विच पूरे 3 कालम दे विच उन्हां दीआं प्राप्तियां माण सन्मान जां पुस्तकां दा जिक्र है। तो जे वो सारयां दा जिक्र करिए तो मेरा ख्याल है एक पूरा पेपर कला उस दा ही बन जाऊगा। ठीक है, प्रभजोत कौर ने एक लम्मी भरपूर जिंदगी जीवी पर लगभग पौनी सदी पंजाबी दे साहित्यक ते सभ्याचारक माहौल दे चश्मदीद गवाही नहीं सगो रचनाकार भी रही। उस वल्लों रचित मेरी साहित्यक स्वै जीवनी तो बुनियादी तौर पर साहित्यक रचनावां दे पिछोकड़ विच कम करदे आम जीवन वेरव्यां दा वृतांत है। जदों के जीना भी कदा है दा पहला भाग एक तरह बचपन दीआं यादां दे नाल ते साहित्यक माहौल दा चित्रण है। दूजा भाग है जिहड़ा वह थोड़ा जा ज़्यादा व्यक्तिगत है। इस दे विच उन्होंने बड़ी बेबाकी नाल अपने ते अपने लेखक फौजी अफसर पति कर्नल नरेंद्रपाल सिंह नाल संबंधां दा चित्रण कीता। स्वै जीवनी मूलक रचनावां दा अध्ययन करना बहुत मुश्किल हुंदा है क्योंकि सब तो पहलां तां विधी दी समस्या सामने आ जांदी है कि किसे रचना नूं सच यथार्थ ते झूठ भाव गल्प दी कसवट्टी ते रख के परख्या जावे जां किसी स्वै जीवनी नूं निरोल वार्तक दे पैमाने ते रख के उस दा मुलांकण कीता जावे जो बड़ा तकनीकी जां ते अकादमिक जिहा काम हुंदा जां फिर अजिही रचना नूं मनोविज्ञानक धरातल ते रख के देखिया जावे फिर उहदे जिहड़े साहित्यक अर्थ उजागर होंदे आ। इसे प्रकार जे स्वै जीवनी मूलक रचना दे अध्ययन दी समस्या जदों अगे आ खड़दी आ ते फिर बंदा की करे। हर विधि दी अपनियां ही सीमावां हुंदियां ने ते अपनियां ही संभावनावां हुंदियां ने।
पर उस तो वड्डी सीमा अध्ययनकर्ता दी भी हुंदी है कि वह किसी के स्वै बयान किते सच नूं किस पलड़े विच रख के किहड़े वट्टियां दे नाल तोले। इस दे विच हमेशा ही निज दाखल हो जांदा है। मैं अपने वल्लों उन्हां दीआं इह तिन रचनावां दी एक पड़त तैयार कीती है। सब तो पहला तो साडा जिहड़ा ध्यान है वह सरलेख वल ही जांदा है कि जीना भी एक अदा है। एक पास्यों अरबी फारसी मूल दे शब्द अदा दा अर्थ चुकाउणा है, भाव जिमें कर्ज जां फर्ज अदा करना हुंदा है। दूजे पास्यों इस दे अर्थ मन दे भावां ते विचारां दा शरीरक मुद्रावां क्रियावां राहीं प्रगट करना हुंदा है, जिमें कि अर्थ हुण अदाकारी दे हो गए, भाव जो असल विच मनुख है उस दी बजाए अपनियां मुद्रावां क्रियावां राहीं उल्टा जां वक्खरा पेश करे। वैसे तो मनुखी मन दे भाव उस दियां अदावां क्रियावां राहीं सहज रूप विच ही पेश हुंदे ने, पर अदाकार जिस चरित्र की भूमिका निभा रहा हुंदा है उस दे भावां दे अनुसार अदावां करदा। हो सकदा है उस दे भाव कोई होर चल रहे होण पर उह चरित्र दे भावां अनुसार अदाकारी करदा। जब तुसीं प्रभजोत कौर की स्वै जीवनी दे सरलेख ते विचार करदे आ तां इस नूं अदा दे दोवें अर्थां विच ही समझा जा सकदा है। जे असीं पूर्व निश्चित भावी जां होणी दे सिधांत नूं मन लईए जिंदगी दा बोझ चुकाउणा ही पैंदा है, ते प्रभजोत कौर यह बोझ चुकाउंदी है। दूजे पासे जदों असीं उस दे जीवन हालतां नूं देखदे हां तां इक पासे तां उह उच्च श्रेणी खास करके राजनीतिक कूटनीतिक हलकियां दे विच विचरदी है, जिथे मन की गल छुपा के मसनूई मुस्कराहट लियानी पैंदी है, तो इसलिए अदाकारी की जरूरत पैंदी है। प्रभजोत कौर के स्वै वरतांत अनुसार उन्हां दा जीवन साथी ना केवल उस नाल बेवफाई ही करता है सगों शरीरक ते मानसिक यातनावां भी दिंदा है, पर उस नूं पति की नौकरी ते समाज विच चंगा बनन लई दुख सह के भी हसदे रहना पैंदा है। ये उस दी अदाकारी है। इन अर्थां दे विच जीना भी एक अदा है। प्रभजोत कौर दे इस जीवन वरतांत राही असी देश की आज़ादी तो पिछों पंपे उस उच्च मध वर्ग खास करके जो सत्ता दे चौगिरदे विच कूटनीतिक ते संविधानक अहुदियां अदारियां विच वापरदा है उस दे दर्शन हुंदे ने। इस स्वै जीवनी विच बहुत सारियां गल्लां बारमुखी ते तत्थमई ने, इस दे नाल ही कुछ गल्लां निजी ते भावनामई ने। तत्थगत जानकारी तो इतिहासकारां लई जां कूटनीतिक प्रशासकी लोकां लई लाहेवंद हो सकदियां, पर निजी भावक गल्लां निजी भावक संबंधां दा साहितक बयान मनोविश्लेषकां समाज शास्त्रियां ते साहितक आलोचकां लई महत्वपूर्ण है। प्रभजोत कौर दे कथन अनुसार करनल नरेंद्र पाल सिंह एक तो वधीक औरतां नाल विआह बारे संबंध रखदा सी, भावें उह सारियां दे नां नहीं दसदी पर फिर भी कुछ दे नां तां उह नशर कर दिंदी है। इत्थे मैं एक रैफरेंस दवांगी, पढ़ के सुनानी आ। एक दिन रात दे समय मौसम अजिहा सी कि साढ़े बिस्तरे जाफरीदार बरांडे विच कीते जांदे सन, बच्चे रोटी खा के सौ चुके सन, मैं भी किताब लैके लेट गई सी पर निंदी नज़र नहीं सी आउंदा, ना ही उस दी होण दा कोई खड़ाक सी। मैं दो तीन आवाज़ां मारियां पर नहीं, वो अंदर नहीं सी, वो तो पिछले बाथरूम विच सन, चंचल ते निंदी। मैं बत्ती जगाई तो चौंक गई, चंचल तो बाहर नस गई ते निंदी ने गुस्से नाल मेरे मूँह उत्ते चपेड़ कढ मारी, मेरी अखां विच लहू उतर आया पर मैं बोली कुछ ना, मैं तैनूं छड्ड के चला जावांगा। उल्टी गल, ये जीना भी एक अदा है जो रैफरेंस तुहानूं दित्ता है। हुण ये चंचल एक नौकराणी सी जिहड़ी कि उहदे कुछ दिन बाहर जाण पिछों ही करनल होरां ने रख ली ते उस दे नाल उहदे संबंध है जिस दे इह जिक्र। कल्ला यही नहीं बल्कि होर ब्याहियां कुवारियां दूर नेड़े दियां बहुत सारियां औरतां नाल उस दे संबंधां दा जिक्र थां पुर थां करते हैं। इस विच सब तो महत्वपूर्ण गल है कि सारी गल सामने आ जाण तो बाद भी
लड़ाई झगड़ा मार कटाई होंगी है, बंदे नू शर्मिंदगी आने की बजाय उल्टा चपेट मारद, निश्चय फिर मार कुटाई होंगी, लड़ाई झगड़ा हों, पर कुछ देर बाद ही तुसी देखो सब कुछ आम वांग हो जाता है। इस किस्म के सारे वरतांत विच प्रभजोत कौर मजलूम, बेबस, उदास, पति नू प्यार करन वाली, ते करनल नरेंद्र पाल सिंह जालम, धाकड़, हफसी ते वैसी दिखाई दिंदा है। दूसरे पासे प्रभजोत कौर अपने राष्ट्रपति अते अफगानी डिप्लोमैटिक अनुवादक नाल अते कुछ होर दोस्तियां नू भी नशर करती है। वो अब्दुल गफूर रवानी फरहादी बारे लिखती है, एक छोटा रेफरेंस ये बारे मैं दवांगी। मैं तुहानू प्यार कीता है, करदी हाँ ते करदी रहांगी, भावें मैं अपना घर छड के तुहाडे कोल नहीं आ सकी, भावें मैं तुहाडी ते अपनी जिंदगी दे बने प्रबंध नू तैश नैश नहीं कीता, कर सकती सां, पर क्यों करदी? मेरी जिंद सदा तुहाडे लई लुछदी रही ते मैं रह रह के पुछदी हाँ कि की मनुखा जन्म दा यही अंत है। मैं उन्हां पलां नू मुड़ मुड़ के ज्यौंदी हाँ जो मैं तुहाडे साथ दे निग विच बिताए सन, भावें साडा साथ थोड़े जे समय दा है पर साडा प्यार चरोका है। ये भी भाग पहले दे विच है, जीना भी एक अदा है। हुण प्रभजोत केवल इन्हां संबंधां दा ही बयान नहीं करदी, सगों इन्हां संबंधां कारण डॉक्टर राधा कृष्ण जो राष्ट्रपति सन वल्लों ईरखा जाहर करन बारे भी लिखदे ने। असल विच तां ये स्वै जीवनी मुख रूप विच उच्च मध्य वर्ग विच औरत मर्द दे ब्याह बारे रिश्तियां दा कच्च सच पेश करदी है। एक लम्मा वरतांत है कि राष्ट्रपति किवें उस दे नाल इस गल ते रुस्से रहे कि हुण फरहादी आ गया, हुण तैनू साडी की जरूरत है, ते फिर वो सारा दिन बैठ के एक कुर्सी ते उन्हां नू मनाउंदी रही। नैतिक मापदंडां दे पालण विच्चों नैतिक मापदंडां दे पालन वाले इस विच्चों अनैतिक विचार भी लभ सकते ने, ते इस नूं बुरजुआ समाज का नैतिक नगार भी दर्शा सकते ने। एक मनोविग्ञानी लई इह औरत मर्द दे संबंधां दी व्याख्या भी है। इस करके मैं आरंभ विच इह इकबाल कर लिया सी कि इह रचना नूं पढ़ना विखाउणा ते सिट्टे कढ़ने सौखा कार्ज नहीं, क्योंकि इह साडी विआह संस्था ते प्रश्न चिन्ह लगाउंदी है। नारी दृष्टिकोण तो जे इस दी पड़त करिए जापदा है कि कर्नल नरेंद्र पाल सिंह इस तरह का हिंसक ते जालम किवें हो सकता है जिवें प्रभजोत कौर ने चित्रिया। कि कोई प्यार दीआं दो किस्मां ने? यह टैक्सट के बिच पईआं चुप्पां बोलदीआं जिहड़ीआं एक पाठक के मन के खास करके जिहो जी मेरी स्टडी आ उस दे विच मेरे मन के प्रश्न उठते ने कि कोई प्यार दीआं दो किस्मां ने, एक आत्मक ते एक उच्च आदर्शी, दूजा जिनसी ते हवसी। घट्टो घट प्रभजोत कौर अपने प्यार संबंधां नूं आदर्शक ते आत्मक सिद्ध करदी है, ते जदों कि कर्नल नरेंद्र पाल सिंह दे संबंधां नूं हवसी ते जिनसी दर्शाउंदी है। इस कारण ही मैं इस दा सरलेख दे आधार ते यही नां कढ़िया सी कि अपने कर्म नूं जायज़ता प्रदान करन वाली स्वै जीवनी वजों इस नूं दर्शाया। स्वै जीवनी विधा की एक समस्या होर भी है कि तुहानू हर वेले सच की कसवट्टी नू नाल ही चुक के तुरना पैंदा, भावें कि तुसी लेख वल्लों लिखे शब्दां दे घेरे तो बहुता बाहर नहीं जा सकते। गल्प विच लेख जो भी लिखदा वह हरफ आखरी हुंदा है, पर स्वै जीवनी विच तुसी बाहरी स्रोतों वल झाकदे हो। इसका शक्तिशाली चरित्र जां पात्र कर्नल नरेंद्र पाल सिंह ने ना केवल वह हड मास का ज्यौदा जागता मनुख है, तो वह एक गल्पकार भी है। इसलिए इस गल वल ध्यान जाता है कि आखिर वह इन संबंधा किस नज़रिए तो देखता होएगा। मेरे को उसका कोई इस तरह का इकबालिया बयान नहीं, जिन्हों का पेपर कर्नल नरेंद्र पाल का होएगा वह की कहते हैं, भावें उन्होंने नावलों बारे कुछ इशारे किए हैं कि उन्होंने ये खुल के लिखे, वो इन्हों के संबंधा किवें देखता होएगा वो बारे मैं नहीं पता। स्वै जीवनी जे असी सच झूठ से ना भी परखीए तो घट्टो घट लिखत की मनण योग्यता एक जरूरी शर्त होंगी है।
ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਵਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਸ਼ਰਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਡ ਵੀਕਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਖੁਦ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਠੋਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 65 'ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਪਤੀ ਵਾਕਰ ਅਜਿਹੇ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਰੂਪੀ ਪਰੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਰੂ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਗਲ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਦਾ ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀੜ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਕਿ ਸੌਖ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਕਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੋਚਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮਈ 1965 ਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਸੌਖ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਦੂਹਰਾ ਸੰਤਾਪ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਮਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤ੍ਰੇੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕਰਨਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਲੇਖਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਉਲਝਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਲਝਦੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਤਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਸੁੰਨ, ਮੁੱਕੇ, ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਬਾਮਲਾ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੂੰ 76 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ, ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਕਾਰਨ, ਉਚੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰਸਾਈ ਅਤੇ ਪੈਂਠ ਸੀ।
उन्हां कोल आम पाठक नूं दसण वालियां बहुत सारियां गल्लां सन, पर अफसोस कि उन्हां ने बहुता समा ते पन्ने निजी घटनावां ते खर्चते। तीन मतलब उन्हां दियां स्वै जीवनियां, इन्ने उन्हां दे विच नां ने, इन्ने उन्हां दे विच शहरां दे नां है, जिवें गुरसेवक लंबी ने भी दस्या है, इन्ने बाग बगीचों दियां गल्लां, इन्नियां घरां दियां गल्लां, इन्ने रुतबियां उहदियां दियां गल्लां, कि मेरे वर्गे नूं तां मैनूं ऐ लगदा कि इन्ने नां ही जिवें याद रखना, मैनूं तां याद ही नहीं आउंदे। इन्ने देशां दा उहदे विच जिक्र है, जिक उन्हां देशां दे विचों शहरां दा जिक्र है, खासा ही मतलब इहदे विच कड़मासा है उन्हां चीज़ां दा। उन्हां दे जीवन काल विच देश वंडिया गया, गुआंढी देशां दे नाल जंगा होईयां, कई प्रधानमंत्री अते राष्ट्रपति आए गए, एमरजेंसी लगी, पंजाब विच ब्ल्यू स्टार ऑपरेशन, दिल्ली विच सिखां दे कतलेआम वर्गियां वड्डियां घटनावां होईयां, पर उन्हां दियां स्वै जीवनियां विच इन्हां घटनावां दा जिक्र अंशक है, इह नहीं कि जिक्र नहीं है, पर बाकी चीज़ां का कड़मस बहुत ज़्यादा है। जिहड़ियां वड्डियां घटनावां सी उन्हां नूं ओह विस्थार नहीं मिलिया जिहड़ा कि देना बनता सी, उन्हां दा खां बहुत घट है, जो कि अनुपातक तौर पर बहुत ही निगुण है। मैनूं इह कहण विच कोई संकोच नहीं कि उन्हां लई बाहर वर्ती घटनावां दी थां निज वधेरे महत्वपूर्ण सी। उन्हां ने अपनियां साहित्यक रचनावां दी निजी पृष्ठभूमि भी बहुत ही स्पष्ट नहीं की, केवल कुछ निजी घटनावां बाद लिखियां कवितावां दा जिक्र आउंदा है। स्वै जीवनी दे विच अक्सर स्वै दा ही बयान हुंदा है, ते अक्सर उही व्यक्ति स्वै जीवनी लिखदे ने जिन्हां विच आम नालों कुछ वक्खरे जां उच्चे होण दा अहसास हुंदा है। पर इस दे बावजूद पंजाबी दी पहले ही स्वै जीवनीकार तेजा सिंह जी आरंभ च लिखदे ने ते रब अगे अरदास करदे ने कि मैथों मेरे बारे बहुतियां गल्लां ना आखवाउणियां। जदों असीं दूजे पासे जे असीं महिंदर सिंह रंधावा दी भी जीवनी लिखते हाँ, क्योंकि देश वंड हुंदी आ, वह सारा कुछ उन्हां घटनावां दे चश्मदीद गवाह ही नहीं, सारा कुछ ब्यौंत दे करदे भी है, वह अपनी निजी जिहड़े वेरवे ने अपनी भैण की ड्यूटी ला दिंदे आ भी जो लिखना भी मैनूं नहीं वह याद जो तू लिख दी, जिहड़े बाद वाले आ अपनी वाइफ नूं कहिंदे आ तू लिख दी। आपदी वह आप बीती दे विच भी जिहड़े जिक्र करदे ने पोलिटिकल बंदियां दे रेखा चित्र सामने पए ने गे, वह होरां बारे लिखते हैं, जिहड़ियां घटनावां बारे लिखते हैं, अपना आप उन्हां दा सारा कुछ गैर हाज़र है। लिखते तो वह आप ही है, वह तो बिच हाज़र ही हुंदा बंदा, ते पर वह सारियां घटनावां दा जिहड़ा जिक्र करते हैं वह बहुत कमाल है। प्रभजोत जिहड़े के उन्हां सामने तो एक पूरी बसात खिंडी हुई सी इह सारियां चीज़ां दी, जिन्ना वह घूमे जिन्ने उन्हां कोल मौके सी उन्हां कोल इह जिक्र करन दा बहुत सी इह मौका। जदों असीं प्रभजोत कौर की जीवनी पढ़ते हैं तो ज़्यादातर निज दुआले ते स्वै प्रशंसा की चाशनी दे विच डुब्बियां घटनावां ने, अपने वक्री जां सोहणी होण दा अहसास बचपन दीआं घटनावां विच लभ्या जा सकदा है। एक तरह नाल जापदा कि साडी स्वै जीवनीकार स्वै मोह दा शिकार है। स्वै जीवनी नूं वार्तक की कसवट्टी ते परखीए तां इस विच संगठनात्मक सूझ की थोड़ी जी हैगी आ फर्क, घटनावां नूं कलाक्रमिक लड़ीबद्धता ते निश्चित प्रबंध विच बन्नण दी थां उगड़े दुगड़े भावां अनुसार लिखिया गया। एक तो थोड़ा जदों ज़्यादा थोड़े व्डे होकर लिखते हैं स्वै जीवनी ना, तो वह घटनावां भी अगे पिछे हो जांदियां, बंदा भुल जांदा बड़ा कुछ, जदों याद आ जांदी आ फिर लिखण लग जांदे आ, कई बार पहलियां कितें होर हुंदियां बाद वालियां, जानी किसी कालक्रम च तुसीं बहुता लभ नहीं सकते, तो मैं तो मुढ़ तो फिर लग जा करां भी ये कित्थे आ गए। चलो भावां दा बयान कविता लई तां शक्तिशाली हुंदा, पर वार्तक विच भावां ने किसी दलील का हिस्सा बन के ही आना हुंदा। कविता विच केवल शब्द चोण ही महत्वपूर्ण हुंदी है, पर वार्तक विच वाक बणतर भी अहम हुंदी है। कविता दी वाक बणतर भावां दे लय नाल लय तार नाल चलदी है, जदों कि वार्तक नूं बारमुखी व्याकरणक नियमां दा पालन करना पैंदा है। उस दे वाकां विच शब्द चोण उगड़ी दुगड़ी ते थोड़ी ढिल्ली है, कई बार घटनावां विचार जां गल समझण लई पन्ने नूं मुड़ मुड़ पढ़ना पैंदा है। किसे लेखक दा मुलांकण साहित्यक परंपरा विच ही करना हुंदा है कि उसने अपने पूर्वकालियां तों की वक्खरा लिखिया ते उसने किहड़ियां नवीआं पैड़ां पाईआं कि जिन्हां उप्पर बाद दे लेखक तुरे। प्रभजोत कौर दे समकाल विच ही दो होर नारी लेखक अमृता प्रीतम ते अजीत कौर सन, उन्होंने भी अपनियां स्वै जीवनियां लिखियां। बिना शक्कर सीधी टिकट ते खाना बदोश कैरी बणतर दीआं स्वै जीवनियां सी,
पर उन्हां विच घटनावां दी स्पष्टता ते विचार प्रवाह दी निरंतरता वधेरे आ जदों कि तुसीं देखो उह कह रहीआं ने इक घटनावां नूं लै के उह आप दी बजाय बाहर वल फैलदीआं ने पर इह स्वै जीवनी बाहरों भी सारा हो के बाहर वर्ती हो के भी अंदर वल सुंगड़ जांदी है पर उन्हां दे विच घटनावां दी स्पष्टता ते विचार प्रवाह दी निरंतरता वधेरे आ जदों कि जीना भी कदा है खिलरी पुलरी है अमृता प्रीतम ते जीत कौर दे निजी अनुभव किन्ने भी डूंघे ते विशाल होण पर बाहर मुखी अनुभव कैरी ते सीमित ही नेगे इस दे उल्ट प्रभजोत कौर दे अनुभव बहुपक्षी बाहर मुखी वधेरे सन पर उन्होंने अनुभवी समगरी नूं साहित्यक किरत विच ढालिया नहीं समुचे रूप च आख्या जा सकता है कि प्रभजोत कौर दी कविता ते उस दे जीवनी उस दे जीवन विच दिलचस्पी रखण वालियां लई इह स्वै जीवनी मूलक रचनावां महत्वपूर्ण दस्तावेज हन ते दास्तान भी हन भावें इन्हां विच निजी पीड़ा ते अपने कीते कर्मां दी जायज़ता नूं प्रमुखता मिली है पर वार्तक कला दे पक्खों रचना औसत पद्धर दी है पर इस दे बावजूद इस नूं दास्तान वजों तां पढ़िया जा सकदा है पर दस्तावेज वजों पाठक नूं होर स्रोत लभने पैणगे बहुत बहुत धन्यवाद।